नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अच्छे टॉपिक पे भाई, दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों भाई, दुबई में आपको पता कोविड-19 चला था, मार्च में लॉकडाउन लग गया था। ठीक है, लगभग 25 तारीख के करीब लॉकडाउन लगा, तो बहुत सारी जनता जो विजिट में गई हुई थी उनके वीजा एक्सपायर हो चुके थे। जो लोग वर्क परमिट वाले थे उनके वीजा एक्सपायर हो चुके थे, इमिग्रेशन आईडी एक्सपायर हो चुकी थी। तो सरकार ने एक अच्छा कदम उठाते हुए टाइम टाइम पे थोड़ा थोड़ा एक एक महीने का रिलीफ देते देते, मैं बता दूं, काफी सारा टाइम दे दिया। जी हाँ, 14 मई से शुरू ये अकाल्पनिक माफी 17 नवंबर को खत्म होने वाली थी। जी हाँ, लेकिन सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इसको 31 दिसंबर तक कर दिया। हालांकि 31 दिसंबर पहले भी किया था, लेकिन उसको बीच में उनको लगा कि 31 दिसंबर डायरेक्ट कर देंगे तो लोग फिर 31 दिसंबर से पहले हिलेंगे नहीं, तो उनको माइनस करते करते फिर वापस धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अभी 31 दिसंबर तक कर चुकी है। तो अभी जो नियम चल रहे हैं उसमें सरकार ने क्या बोला है, डिटेल से बात करेंगे। हालांकि टाइम बहुत कम रह गया है 31 दिसंबर का, लेकिन फिर भी ये न्यूज आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एफआईसी ने साथियों, आपको पता ही, घोषणा समय समय पे करते रहते हैं, आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज ये बार बार आती रहती है कि भाई वीजा एक्सटेंड। पहले तो क्या होता था कि सरकार ने, जैसे मान लीजिए अभी इस महीने का टाइम दे दिया कि भाई जो इलीगल वर्कर हैं, चाहे वर्क परमिट, रेडेंशियल, इमिग्रेंट आईडी या विजिटर्स कोई भी हैं, वो इस महीने में निकल जाए इतनी डेट तक, वरना फिर आपको फाइन लगेगा। अभी जो लास्ट में पिछले महीने घोषणा की थी, बता दूं, उसमें साफ साफ सरकार ने बोल दिया था कि भाई जो आदमी इलीगल तरीके से दुबई में रह रहा है, चाहे वो विजिट वीजा हो, चाहे वो वर्क परमिट वीजा हो, चाहे वो इमिग्रेंट्स आईडी हो, चाहे वो कितने भी हो, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, एक मार्च से पहले की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, मार्च के आगे की नहीं, मार्च से पहले की जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए बेनिफिट ये हो जाएगा कि भाई वो लोग, पहले तो ये था कि आप दुबई छोड़ के जा सकते हैं, आपका फाइन नहीं लगेगा, लेकिन अभी ऑप्शन ये कर दिया कि आप यहाँ पे वीजा लगवा सकते हो। ये बहुत अच्छी आप लोगों के लिए न्यूज़ है कि आपको यहाँ आना भी नहीं पड़े और आपका वहां पे वीजा भी लग जाए बिना फाइन दिए। पहले तो ये था कि भाई या तो आप दुबई छोड़ो तो आप एयरपोर्ट पे आपका फाइन माफी मिल जाएगी, आप अपने देश जाओ, इंडिया जाओ और वापस दुबई आ जाओ। फिर उन्होंने ये बोला कि भाई ठीक है, आप यहीं रहते हुए अगर आप यहाँ वीजा लगवाते हो, वापस नहीं जाना चाहते, तो आपका जितना फाइन है 5,000 दिरहम, 10,000 दिरहम, वो भर के आप यहाँ पे वीजा लगा सकते हो। तो वो आप लोगों के लिए महंगा था, हर आदमी वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी जो सरकार ने जो पिछले महीने घोषणा की उसमें ये बोला कि भाई आप जितने भी इलीगल वर्कर लोग रहते हैं, वो या तो आप 31 दिसंबर तक दुबई छोड़ दें, चाहे आप कोई भी कंट्री के हो, बिना आपका ब्लैक लिस्ट किए आपका जुर्माना माफी सहित आपको दुबई से जाने दिया जाएगा और आप वापस भी आ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे रहते हुए अपना वीजा लगवा सकते हो। तो ये भी एक सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, इसमें सरकार को भी फायदा है भाई। सरकार को फायदा इसलिए कि आप इलीगल वर्कर मान लीजिए कंपनी में 50,000 या 10,000 कितने भी हैं, वो वहां रहते हुए वीजा लगवाते हैं, तो कंपनी को या उनको वीजा का पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो वो पैसा इनकम किसको होगी, यूएई सरकार को। तो कोविड में आपको पता है भाई सरकार को भी पैसे चाहिए, तो उनको भी बेनिफिट हो गया और आपको फायदा ये हो गया कि आपको यूएई छोड़े बिना आपका वहां पे वीजा लग रहा है, बिना आपका फाइन भरे, पीछे का फाइन माफ, आगे अपना वीजा लगा के आप लीगल हो सकते हो। ये न्यूज बहुत अच्छी थी, लेकिन ये न्यूज 31 दिसंबर तक है, उसके बाद में जनवरी से ये टाइम नहीं मिलेगा। और मुझे जहां तक लग रहा है भैया, लगभग 95% लोग जो इलीगल थे वो अपनी कंट्री का आ चुके हैं, चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप कोई भी कंट्री के हो, आ चुके हैं। थोड़े बहुत लोग बचे हैं जो इस उम्मीद में कि भाई चलो यहाँ रहते हुए हम अपना वीजा लगवा लेंगे, उनके लिए बेनिफिट है कि उनका 7-8 हजार, 10 हजार दराम जितना भी था वो माफ, फाइन माफ होने के बावजूद उनका वीजा लग जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे वे में हैं जो वे नहीं छोड़ना चाह रहे थे, उनके कोई भी रीजन थे, चाहे उनके कोई लेन देन का बिजनेस का रीजन है, कोई लेन देन का था, कोई जॉब का था, या उनकी ऐसी परिस्थिति है कि वो चाहकर भी दुबई नहीं छोड़ सकते, दुबई रहना चाहते थे लेकिन फाइन भी उनके पास नहीं था, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि बिना फाइन भरे वो आगे वीजा एक्सटेंड, अपना नया वीजा लगा के नई शुरुआत कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। 31 दिसंबर लास्ट है। बस ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया था। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।